पार्ट आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2022 में इंडिया का आर्ट मार्केट 6000 करोड़ रुपीस का था और सीरियसली यार ये पेंटिंग की कीमत 18000 करोड़ रुपए है। अब पेंटिंग की बात हो रही हो और मोनालिसा का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। पेरिस के लॉरे म्यूजियम में रखी मोनालिसा की ये पेंटिंग, जिसे लियोनार्डो दा विंची नाम के फेमस पेंटर ने बनाया था, आज उसकी कीमत 19000 करोड़ है। और 20वीं सदी के फेमस पेंटर पैब्लो पिकासो की एक पेंटिंग का कॉस्ट आज 8 करोड़ रुपए है। और मजे की बात तो ये है कि लोग इसे पागलों की तरह खरीदने के लिए तैयार है, बट इसके पीछे कई बड़े बड़े सीक्रेट्स है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फैक्ट बॉय एंड लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, अपनी मर्जी। अब भाई लोग, पेंटर का क्या है ना कि पेंटिंग बनाई मैंने तो फिर मैं इसकी कितनी भी कीमत रखूं, मर्जी अपनी है, 100 रुपए या फिर 1 करोड़, क्योंकि ये पेंटिंग सिर्फ एक ही पेंटर के द्वारा बनाई गई है जो कि एकदम यूनिक है। वैसी पेंटिंग आपको पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, जिससे कि लोग उसकी कीमत को बाकी पेंटिंग की कीमत से कंपेयर भी नहीं कर सकते। अब ऐसा अगर वो पेंटर कर सकता है तो जो कोई भी इसे 1 करोड़ में खरीदेगा वो इसे 10 करोड़ में भी तो बेच सकता है, क्योंकि वैसी पेंटिंग पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। अब यार, किसी अमीर के पास अगर ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो उन पैसों से प्रॉपर्टी खरीद लेता है, क्योंकि उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ते रहती है। सेम यही फंडा पेंटिंग के लिए भी अप्लाई होता है। अगर कोई आदमी किसी पेंटिंग को खरीदता है तो वो किसी इन्वेस्टमेंट से कम नहीं, क्योंकि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है उस पेंटिंग की कीमत अपने आप हाई होती जाती है। और हाँ, वो पेंटिंग जितनी महंगी होगी उसकी कीमत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। नंबर 3, सोल्ड इन ऑक्शन। यार मान लो मेरे पास एक पेंटिंग है और मैं उसे किसी एग्जीबिशन में डाल देता हूँ, तो उधर अगर किसी अमीर आदमी को पेंटिंग पसंद आ जाती है तो वो इसके अच्छे खासे पैसे दे सकता है। और वही सेम पेंटिंग अगर ज़्यादा लोगों को पसंद आ गई तो वो लोग आपस में उस पेंटिंग पर बोली भी लगा सकते हैं, और या ऑफ कोर्स उस पेंटिंग की कीमत कई हद तक बढ़ जाएगी। नंबर 4, अमीरी दिखाने का मौका। अब भाई लोग, रतन टाटा के अलावा आज के ज़माने में वो कौन सा रईस ज़्यादा है जिसे अपनी अमीरी दिखाना पसंद नहीं। ऐसे ही कई महंगी महंगी पेंटिंग्स को अमीर लोग खरीद कर अपने दीवार पर लगा कर रखते हैं, ताकि जब भी उनके घर में कोई गेस्ट आए तो उन्हें उनकी अमीरी का अंदाज़ा लग सके। और इससे तो दो काम हो जाते हैं, एक तो उनके घर की दीवार चमकती है और दूसरा वही जैसे कि पहले मैंने बताया, अपनी अमीरी शो करने का मौका मिलता है। और यार, मैं कोई मामूली पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उन एक एक पेंटिंग की कीमत 60-70 करोड़ रहती है। और एक तरह से देखा जाए तो ये मैं बहुत ही कम दाम बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इससे भी महंगी महंगी पेंटिंग्स अवेलेबल है। इसका दाम सुनते ही मेरी तो फटकर हाथ में आ गई थी। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, फैक्ट बॉय नाम याद रखना। तब तक के लिए जय हिंद।